मारिया की इस वीडियो में मैं मौजूद हूँ पैकेजेस मॉल और आज मैंने प्लान किया कि यार डे आउट करते हैं। सारा दिन शॉपिंग करने के बाद इस वक्त मैं अपनी फेवरेट कॉफ़ी शॉप ग्लोरिया ग्रीन के सामने हूँ और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसकी सिटिंग अरेंजमेंट। अंदर चल के देखते हैं कि किस तरह की अरेंजमेंट है, एम्बियंस के हवाले से बात करते हैं और कॉफ़ी के हवाले से बात करते हैं। चले ठीक, बहुत ही जबरदस्त एम्बियंस। बात करते हैं यहाँ के माहौल की, तो यार मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि गर्मी है आजकल और गर्मी में आउटडोर बैठना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनसाइड बैठ के एसी की ठंडक में एक अच्छा सा माहौल और बाहर का व्यू भी जबरदस्त है, तो मुझे तो जगह बहुत अच्छी लगी। अब मेन्यू पर बात करते हैं कि यार आज क्या ऑर्डर करना है मारिया ने, तो प्लीज आप मेन्यू लेकर आइए। आज आपने मुझे बताया मुझे कोल्ड कॉफ़ी में आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैम, कोल्ड कॉफ़ी में आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिल जाएंगे। आपको वनीला फ्लेवर मिल जाएगा, आपको कैरमल फ्लेवर मिल जाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ीज मिल जाएंगी, चॉकलेट शेक्स मिल जाएंगे, चॉकलेट कॉफ़ी मिल जाएगी। आप जिस तरह के चाह रही हैं, अगर आपको स्लश टाइप चाह रही है, कुछ प्यूरी का स्मूदी टाइप चाह रही है, तो आपको सब कुछ नहीं, मुझे स्लश नहीं, मतलब अगर हॉट कॉफ़ी में मुझे पसंद है कैपेचिनो जी, तो आप मुझे बताएं कि कोल्ड आपको हॉट कॉफ़ी में कैपेचिनो पसंद है ना मैम, तो आपको कोल्ड कॉफ़ी में एज इट इज़ मिल जाएगी। अगर आप उसमें शुगर ऐड करवाना चाह रही हैं तो उसमें कैरमल ऐड हो जाएगा, अगर आप उसमें वनीला के साथ कुछ चाह रही हैं तो उसमें वनीला सिरप ऐड हो जाएगा, वनीला शुगर ऐड हो जाएगी। डिफरेंट होती है हमारे पास, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, कैरमल नहीं पसंद? अगर आपको कैरमल नहीं पसंद है, आप उसका कुछ कस्टमर होते हैं जिनको कैरमल से अलर्जी होती है, कुछ कस्टमर होते हैं जिनको वनीला से अलर्जी होती है, तो मैम उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आप चॉकलेट के साथ कॉफ़ी ले सकते हो, आप वनीला के साथ कॉफ़ी ले सकते हो, आप वॉल्टेज ट्राई कर सकती हैं हमारा, उसमें भी वनीला का नहीं बता दूंगा। तो मैं वनीला के साथ जाऊँगी। अच्छा मैम, आपको वनीला मिल जाएगा, उसमें आप साइज कौन सा लाइक करेंगे? उसमें आपको आइसक्रीम और रिपक्रीम की ऑप्शन होती है, आप आइसक्रीम और रिपक्रीम ऐड कर सकते हो, उससे आपके फ्लेवर का कॉफ़ी का फ्लेवर अच्छा होगा। जबरदस्त, तो मेरा ऑर्डर तो कंप्लीट हो गया, हम वेट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आइडिया किस तरह से आया, मतलब ऐसा बहुत कम मिलता है कि किसी मॉल में, ये बड़ा यूनिक आइडिया है। बिल्कुल मैम, एक्चुअली में जब सेकंड कप को देख के हमें आइडिया आया, जब सेकंड कप में हम अक्सर विजिट करें ना, हमारे ऑर्डर विजिट करते हैं, तो फील करते हैं कि वो एक इनकन्वीनियंट सा माहौल होता है, हम आउटसाइड गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, नहीं करते आपके पास आउटसाइडर्स गुजर रहे हैं, आप गर्मी में बैठो, समटाइम्स आपको अच्छा नहीं लगता होता कि आप आउटसाइड बैठ के ऑर्डर प्लेस करो। इन साइड ये है कि आपके एक अच्छा सा व्यू आपको मिल जाए, आप इन साइड चिलर में बैठे हुए हो, आप जो चाहिए जिस तरह का आप गर्दी अपना इन्वायरमेंट खुद क्रिएट कर सकते हो, आप अपना इजीली रिलैक्स होकर यहाँ पे बैठ सकते हो। ये आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आप बाकी मॉल्स में भी आप लोगों का कोई प्लान है आगे इस तरह का? बिल्कुल मैम, एक्चुअली में अभी तो यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल ये इसको विद इन द वीक ये ओपन हुआ है हमारा। अच्छा, हाँ, मोटिव हुआ। इससे पहले हम लोग जो था वो लॉकडाउन से पहले हम लोगों का इनसाइड था, वो एक कैफेटेरिया था हमारा, उसमें भी प्रॉपर सिटिंग है, यहाँ पे भी हमने प्रॉपर सिटिंग अरेंज की है। अब हो सकता है कि कमिंग डेज में हम लोग और ब्रांचेस की बात, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, अब मैं बात करूंगी मेन्यू के हवाले से। बहुत शुक्रिया, मैं अपने ऑर्डर का वेट कर रही हूँ। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो इस एरिया में बैठ सकते हैं, स्मोकिंग यहाँ पर अलाउड है। बात होती है कि जो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि खूबसूरत सा व्यू हो, और वैसे तो मुझे पसंद है समंदर के किनारे जो है सनसेट, लेकिन अगर वो नहीं है तो अब ये मेरी दूसरी फेवरेट, बल्कि दूसरी नहीं तीसरी,
कि उनके फोर्ट रोड पे मुझे कुछ फेवरेट रेस्टोरेंट्स हैं जिस पे मुझे बहुत अच्छा लगता है सनसेट देखना। तो ये मेरी थर्ड फेवरेट जगह बन गई है, मतलब अभी तक की ग्लोरिया जीन्स की। इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा है क्योंकि ज़्यादा रश नहीं है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आ गया है एक हमने ऑर्डर किया है विद वेनिला और दूसरा हमने चॉकलेट। थैंक यू सो मच। फाइनली मेरा ऑर्डर आ चुका है, देख सकते हैं आप। आपने बुकिंग की और बताऊंगी कि यार आज अच्छा लग रहा है मुझे या नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि नहीं। जबरदस्त, बहुत मज़ेदार है। थैंक यू सो मच। और आपने जितना गाइड किया, मतलब उन्होंने मुझे जितना गाइड किया अकॉर्डिंग टू मेरा जो टेस्ट है एग्जैक्टली वैसे ही बना, बहुत शुक्रिया। और मैंने एक और बात बोली थी कि ग्लोरिया जीन्स की जो टीम है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, हम किसी भी ब्रांच में चले जाएं उन्होंने कभी भी जो है ऐसा टाइम नहीं आया कि यार वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, बहुत ही कोऑपरेटिव है स्टाफ उनका। और इससे पता चलता है कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग की गई है। थैंक यू। थोड़ी मेन्यू पर बात कर लेते हैं, ठीक है, कि मेन्यू की जो प्राइसेस हैं वो किस तरह हैं। ये हॉट कॉफ़ी है हमारे पास, कैपेचिनो स्मॉल 380, रेगुलर 430, लार्ज 480, एक्सप्रेसो कॉफ़ी ऑफ द डे, मोका, मतलब प्राइसेस जो हैं वो इकोनॉमिकल हैं। मतलब मैंने ऑर्डर किया है ये स्मॉल की जो इसकी क्वांटिटी है इज़ वेरी गुड। ख़्याल है एक्सप्रेसो में इनके पास चाय भी है, हॉट चॉकलेट प्राइसेस जो हैं वो मतलब जो स्टैंडर्ड प्राइसेस हैं इंटरनेशनल चेन्स के। चिलर में एक्सप्रेसो चिलर्स हैं, जो मैंने ऑर्डर किया है वनीला चिलर, इसके प्राइस 430 रुपीज़ हैं। और प्राइसेस जो हैं वो एक्सक्लूसिव ऑफ टेक्सेस हैं। प्राइसेस की बात करें तो इट्स फाइन, एम्बियंस बहुत अच्छी है, आप आकर अपनी टफ रूटीन से यहाँ पर बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। इसमें ब्राउनीज भी हैं, फज ब्राउनी है, चॉकलेट ब्राउनी है, अरेबियन स्वीट या इसकर्ट, एंड प्राइसेस लाइक 240 से लेके मैक्सिमम जो है वो 500 तक। तो मैं रिकमेंड करती हूँ बिकॉज ऑफ जो एम्बियंस है, आप आगे यहाँ पर अपनी सारा दिन का स्ट्रेस एक अच्छा क्वालिटी कॉफ़ी के कप के साथ यहाँ पे गुजार सकते हैं। तो ज़रूर आएँ और इन्जॉय करें। होगा आज की वीडियो से जाने का वक्त आ गया। मेरी इसी तरह की वीडियोस देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट जरूर करें और मेरा ऐसे मुझे आगाह करें। बहुत शुक्रिया आपका।